दोस्तों, आज इंडिया में ओप्पो A54 लॉन्च किया जा रहा है। बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है, 4G स्मार्टफोन है। 12-13 हज़ार से इस फोन की स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है। वहीं दोस्तों, कल ओप्पो A74 जो कि एक 5G स्मार्टफोन है, ओप्पो लॉन्च करेगी इंडिया में। और लीक्स के अकॉर्डिंग अंडर 20,000 सेगमेंट में ओप्पो A74 को लॉन्च किया जाएगा। तो इस वीडियो में इन दोनों भी फोन ओप्पो A54 एंड ओप्पो A74 5G के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज, हो सके तो वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे आई बटन पे मेरे लेटेस्ट वीडियो दिए गए, चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं ये वीडियो पूरा देखने के बाद। तो गाइज, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऑल राइट दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो A54 के बारे में। ये 4G फोन होगा, बजट कैटेगरी के अंदर लॉन्च किया जाएगा। इसमें 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD स्क्रीन होगी। फुल HD प्लस डिस्प्ले होना चाहिए था क्योंकि बजट कैटेगरी के अंदर फोन को लॉन्च किया जा रहा है। 13+2+2 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा फ्रंट की तरफ। 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। बैटरी के बारे में बात करें तो 5000 mAh की बैटरी, साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी मिलेगा। चिपसेट के बारे में बात करें तो इसमें MediaTek Helio P35 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि एक 12 nm फैब्रिकेशन का प्रोसेसर है, एंट्री लेवल का प्रोसेसर है। 4GB 64GB 6GB 64GB 6GB 128GB के तीन वेरिएंट में इसे लॉन्च किए जा सकते हैं। तो गाइस, ये थे ओप्पो A54 के स्पेसिफिकेशन। ओप्पो A74 के बारे में बात करें तो इसमें भी 6.5 इंच की स्क्रीन होगी, लेकिन इसमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले होगा। IPS LCD डिस्प्ले होगा, AMOLED स्क्रीन नहीं होगी, लेकिन 90Hz का इसमें फास्ट रिफ्रेश रेट मिलेगा और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट, HDR10 का सपोर्ट होगा। डिस्प्ले इसका अच्छा होगा, ठीक ठाक डिस्प्ले होगा। इसमें 48 MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, 48+8+2+2 MP का क्वाड कैमरा सेटअप होगा। फ्रंट की तरफ इसमें भी 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। इसमें भी 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसमें LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज, 3.5 mm जैक, टाइप सी पोर्ट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा। इसके चिपसेट के बारे में बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 का चिपसेट मिलेगा, जो कि 8 nm फैब्रिकेशन का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ग्राफिक्स के लिए इसमें एड्रेनो 619 GPU का इसमें इस्तेमाल किया गया। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा इसमें, 732G से भी बेटर इसमें परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि उसमें एड्रेनो 618 GPU का इस्तेमाल किया गया था ग्राफिक्स के लिए। इसमें एड्रेनो 619 GPU का इस्तेमाल किया गया, तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर मिलेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेटर मिलेगा 732G से। और ये पहला फोन होगा जो कि 480 प्रोसेसर के साथ इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। इसे 6GB 128GB 8GB 128GB के दो वेरियंट में लॉन्च किए जा सकते हैं। तो गाइस, ये थे इन दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन। बात करते हैं इन दोनों भी फोन के प्राइस के बारे में। तो ओप्पो A54 की प्राइस अराउंड 12-13,000 रखी जाएगी। वहीं ओप्पो A74 5G के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस लगभग 18-20K के बीच रखी जा सकती है। आपको प्राइस थोड़ी सी ओवर जरूर लग रही होगी, लेकिन आपको बता दूं कि ये ऑफलाइन मार्केट को, ओप्पो के ज़्यादातर फोन ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करते हैं, तो ये ऑफलाइन मार्केट के लिए बनाया गया है। और आज ओप्पो A54 लॉन्च किया जा रहा है, जब प्राइस बाहर आएगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। और कल ओप्पो A74 लॉन्च किया जा रहा है, उसकी भी प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। तो पहले लॉन्च होने दीजिए। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई सुझाव है कमेंट कर दीजिएगा। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।